आ, वो करता था आई ए, हाँ, ए, क्या बात है चेन्नई सुपर क्या बात है क्या <laughs> बात है अगर ये आ गया ना हाँ वो रोक कोई नहीं पाएगा ये बता ये और धोनी एक साथ खेलेगा बैटिंग करेगा देखो इनको ऑलराउंडर भी चाहिए कप्तान भी चाहिए और फिनिशर भी चाहिए फोन कर दो तीनों है तीनों है और इंडियन प्लेयर

जब ये गुजरात टाइटन में था आपके पास मौका था ना आज आप बोल रहे हो ये नहीं वो नहीं आप आप ही कप्तान थे आप ही हेड टू हेड गए हार्दिक पांड्या आया प्ले ऑफ में आपके अगेंस्ट आप हार गए वो पहले जब कप्तान बना ये इसने चैंपियनशिप जीत ली दूसरी बार ये फाइनल तक ले गया क्वालिफाइड टू आप जीत जाते पहुंच जाते फाइनल में आपको नहीं निकलता दिल का बड़ा साफ है तो ये बड़ी बात है क्योंकि आप इसको ऑन फील्ड नहीं हरा पाए आप ऑफ द फील्ड गुटबाजी करके सारे इकट्ठे होके आपने बोला हम इसको नहीं चाहते ये कर लिया ना आपने अब भाई बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर अगर ये पहुंच गया किसी टीम में और और तुम्हारे सामने आ गया ये पहले ही नहीं हार रहा था तुमसे पहले तो मैं सीएसके आके तो ऐसा मारेगा <laughs> और तुम्हारे दिल में जो चोर है ना कि हमने किया क्या उसकी वजह से तुम खेल ही नहीं पाओगे पहली बात तो ये <laughs> देखिए क्रिकेट का जितना समझ है फोड़ के देगा ये ये जो बंदा है ये सचमुच स्पेशली ये तो देखिए आप आ, सब मानते हैं यू नो इवन रोहित शर्मा इफ यू आस्क हिम रोहित शर्मा ने वन खेडे में खुद बताया कि हार्दिक का जो स्पेशल परफॉर्मेंस नाम ही हार्दिक का लिया सबसे नामी पहले हार्दिक पांड्या का का लिया यू डिनाई हिम इज एक्चुअली ऑफ वो <laughs> मिलर का दे, लो, देखो लोगों दिमाग कैसे होता है कि कुछ भी बकवास करनी है हाँ। मिलर का तो देखो जी वो फुल टॉस दी थी वो तो छक्का ही था वो तो सूर्य की कैच की वैसे हो गया अबे मेन विकेट थी क्लासिन की वो ले ली थी हाँ। मैच खत्म हो जाता उस ओवर में उस ओवर में मैच था तीन छक्के मार देता वो किसी भी और सिवाय बुमराह के आपके किसी भी बॉलर को उस ओवर में मार पड़नी ही पड़नी थी हार्दिक पांड्या उस ओवर में बाय द वे सेकंड आपका सीमर था अर्षदीप पहले बुमराह ने चार रन दिए हाँ। उसके नेक्स्ट ओवर में तो उन्होंने रन मारने ही मारने थे तीस पे तीस टाइप चाहिए थी इक्विजन है ना अब अर्शदीप को नहीं देखे आपने हार्दिक को दिया आप जो मर्जी बोल लो भाई वाइड उसने स्लोअर बॉल कराई जो मर्जी कराई ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड उस टाइम में क्लासन वर्सेस हार्दिक क्लासन ने उसको क्लासन को आउट किया मैच वहां पे आपका इंडिया के पास वापस आ गया जो मैच आपका खत्म हो चुका था आपको ही पता था खत्म हो चुका अच्छा, था। ये ये जर्सी देख के और एक चीज दिमाग पे आ रहा है कि इफ इज मेड द कैप्टन साल के लिए बट ये मुश्किल है मैं आपको बता रहा हूँ सी एस के, साल के लिए, तो CSK अपना सी एस के मुश्किल है यार ये नाक में, में सरसों का तेल लगा के स्नोर कर सकता है आराम से हाँ ये बहुत कुछ इसका इसका रीजन पता है क्या है वैसे कि हार्दिक पांड्या सीएसके में क्यों नहीं आ सकता क्योंकि आप अगर देखो चेन्नई सुपर किंग्स इज इक्वल टू महेंद्र सिंह धोनी हार्दिक जितना भी कर देगा ना स्टीम के लिए धोनी को भी तो चाहना हार्द, है। हार्दिक जितना कर लेगा स्टीम के लिए से ऊपर कभी नहीं बन पाएगा ये चलने के लिए धोनी ने धोनी ने, 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 ने एक साल और खेलना है कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता धोनी ने एक साल और खेलना है लेकिन मैं ये आई श्योर एक साल और खेलना है मेरे को लगता है कि मैं तो जन्म जन्म का नहीं, सा, नहीं, एक हा? साल मैं हो सकता का है, इस साल भी ना खेल ये भी पॉसिबिलिटी तो खेलना पड़ेगा लेकिन एक साल और खेल लेंगे हार्दिक आए ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है क्यों नहीं चाहेंगे आई मीन आई आई मीन आई एम श्योर देखो हार्दिक ने युवराज को बैक नहीं किया बट सिमिलर है विराट को बैक धोनी के बेस्ट इंटरेस्ट में ये होगा कि हार्दिक को ले आए लेकिन क्या वो चाहेंगे कि वो आए धोनी को पता है ये तो हम पता नहीं सकते बटे आगे आगे देखो प्लेयर्स रेगुलेशन जब हम उसके जब जो, जो स्टोरी आएगा प्लेयर्स प्रयरशन उसके बाद क्या आप करेंगे तो हां 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 कितना चलो ठीक है? है वो बात की बात देखेंगे लेकिन अभी मुझे ये लग रहा है कि जो भी हमने डिस्कशन करी है ना आरसीबी के भी कपड़ों में बना दो तुम्हारी दुश्मनी है क्या सीएसके वालों सारे के सारे के सारे पीछे सारे सारे बनाओ हार्दिक बना दो दिखाओ उसके आर सी बी में दिखाओ मुंबई बढ़िया है विराट और हार्दिक बढ़िया रहेगा लेकिन मुझे ये लग रहा है

वो वो रहा था स्टेक बेच, रहा था। स्टेक बेच रहा था। वो रूल ये है, uh, then... है, right है, right है है कि कि यू कैन ऑफर इट टू द फर्स्ट फर्स्ट राइट राइट होता होता आप जो है अगर आपको अपना स्टेक बेचना है तो पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको आप ऑफर करोगे कि जी जैसे हम तीनों डायरेक्टर्स हैं तो प्रियांशु को छोड़ना है तो पहले हम दोनों को बोलेगा कि भाई मुझे छोड़ना है मेरा स्टेक आप खरीद रहे हो तो अगर रिफ्यूजल हो गया हमारी तरफ से तब ये बाहर जा सकता है वो नहीं किया वो नहीं किया था मुझे ये लग रहा है कि हार्दिक पांड्या बहुत बड़ा चांस है चाहे इधर से खेले चाहे उधर से खेले चाहे मुंबई से खेले तो, इस बार जीतने इस के इस इस बार चांस तो, है। वो तो ये आएगा <laughs> विद वे वेंजेंस, ये आएगा विद वेंजेंस।, वेंजेंस, ये आएगा कि चलो भाई हो गया ना मुश्किलें अच्छा आप अगर हार्दिक होते तो आप, आपके मन में क्या रहता मैं वही बता रहा हूं आपको मुश्किलें इतनी पड़ी कि आशा हो गई नहीं है। मुश्किलें है पड़ गई कि भाई अब सब इजी लगता है मुंबई जिले बाद इतना देख लिया अपनों ने दगा दे दिया अपनों ने धोखा दे दिया अपनों ने गुटबाजी कर ली राइट अपने जेलस होके फील कर रहे हैं राइट नहीं। नहीं। भाई जितने मर्जी रिपोर्ट्स फिर रही है कि पचास करोड़ किसी को ऑफर हो गया पच्चीस करोड़ उसके तो आधा ही है यस उस वो तो सौ करोड़ ही लेके बैठा हुआ है ना पैसे में भी वैसे पावर में भी आरसीबी का है जी तो आरसीबी मैं ये बोल रहा हूं चाहिए अगर ये सुनो अगर ये आरसीबी चला जाए अगर ये सी एस के चले जाए ये फेवरेट रहेगा जीतने के लिए और अगर ये मुंबई में रुक जाए अच्छा ये तो आरसीबी में खेलेंगे तो हैव अ रिकॉर्ड ऑफ हिटिंग सिक्स इन एन ओवर स्वामी स्वामी में, में uh, जैसे चहल कहता है कि चौका मारना मुश्किल है छक्का मारना एंड हार्दिक पांड्या आरसीबी में हार्दिक पांड्या का आना लॉजिक बनता है क्योंकि आरसीबी को कैप्टन भी चाहिए आरसीबी को फिनिशर भी चाहिए क्योंकि दिनेश कार्तिक छोड़ चुका है वैसे है जो आरसीबी को शायद ये ट्रॉफी विनर है ये मैच विनर ही नहीं ये चैंपियनशिप विनर ये जीटी को जिता चुका है ये इंडिया को जिता चुका है ये चैंपियनशिप जिताने वाला प्लेयर है लेकिन जो मैं बात कर रहा था ना अगर इसने छोड़ दिया एम आई तो वो भी सबसे डेंजरस यही होगा इसकी टीम होगी चाहे वो चेन्नई हो चाहे वो आर सी बी हो चाहे वो एक्स वाई सी टीम में चाहे गुजरात चला जाए अगर इसने नहीं छोड़ा मुंबई और रोहित कहीं चला गया सूर्या कहीं चला गया बुबरा कहीं चला गया तो वो लोग भी कच्चे हो जाएंगे वो ऐसा नहीं है कि चमत्कार हो जाएगा कि रोहित जी चले गए जी एल में तो एल को जिता दिया उन्होंने पहली बार जाके कि सूर्या जी चले गए कहीं और तो उन्होंने जिता दिया हाँ कोई के चला गया

तो चेला नहीं दोस्त पूछा है दोस्त <laughs> <नहीं, पूछा है। laughs> दोस्त चेला है भाई चेला और दोस्त में यार दोस्त बराबरी का होता है चेला चेला होता है और दोस्त दोस्त विराट कोहली <laughs> तो आप बाकी समझ जाओ अगर एंड यू नो अच्छा समझ जाओ बाकी पर क्यों? वो उनकी सुनेंगे क्यों कौन किसकी अगर आप कह रहे हो कि दोस्त विराट कोहली इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन आरसीबी सी मे नॉट बी द कैप्टन वो अगर बोले और देख एक बात तो ये सच है विराट ने कोई ढंग का प्लेयर लिया नहीं है काफी टाइम से जो भी आरसीबी की टीम बन रही है स्पेशली बोलर वाइज बर्बाद नहीं अच्छे बोलर भी बर्बाद हो जाएगा उनका श्राप है क्या उधर बुमराह अगर आरसीबी जाता है लेट्स से कप्तान बुमराह बुमराह वो भी जर्सी दिखा दो भाई साहब बता रहा हूँ बुमराह नेक्स्ट ईयर ना घुमरा हो जाएगा जसप्रीत गुमराह नहीं है यार Ouaisसा मैं बता रहा हूँ बता रहा हूँ स्टैचू लगाइए पूजा कराइए थॉमसन एंडी रॉबर्ट्स मेलकम मार्शल सबका फोटो लगा के पूजा कराइए हवन कराइए उस टीम कर कर में कुछ है भैया भाई सिलेक्शन ढंग की नहीं होगी बोलर नहीं है तुम पूरे आईपीएल में बोलर लेके आ रहे हो दयाल स्वप्निल हालांकि उसने अच्छा कर दिया यश दयाल स्पिनर कौन है तुम्हारे पास किया यार क्या बच्चे की जान लोगे यूजी को छोड़ दिया है? स्पिनर कौन है स्वप्निल है हाँ, यूजी को स्वप्निल कर्ण शर्मा और बोलर कौन है सिराज